भारतीय मजदूर संघ प्रदेश कार्यकारिणी की प्रथम बैठक आज मानव दूरी के साथ सोयाबीन गेस्ट हाउस में आयोजित की गई। बैठक में कहा गया कि कोरोना के कारण देश का मजदूर परेशान है, मजदूर को अपेक्षित लाभ दिलाने के जल्द ही रणनीति तैयार की जाएगी। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सरकार की कुछ नीतियां देश के मजदूरों और कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के बजाय उनका शोषण को बढ़ावा दे रही है। इसी मुद्दे को लेकर जल्द ही संघ द्वारा नीति आयोग की श्रमिक विरोधी नीतियों का विरोध जताया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की अस्पष्ट और भ्रामक मजदूर नीति के कारण श्रमिक वर्ग खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मजदूर श्रमिकों किसानों आदि का भला करने के लिए नीति आयोग के प्रभाव से हटकर निष्पक्षता के साथ मजदूरों को शोषण मुक्त कराने की अपील की। 8, 9, 10 तीन दिवसीय हम अपना यहाँ पर पदाधिकारी एवं कार्य समिति की बैठक रखी गई है। इस बैठक में अपने सभी जिलों के जिला मंत्री एवं प्रदेश पदाधिकारी और अपने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मान्यवर अनुपम जी के मार्गदर्शन में जो अपने केंद्र द्वारा श्रम कानूनों में श्रमिकों के अहित में कानून बनाए गए हैं उनका हमें किस प्रकार से घोर विरोध करना है और अपने जनता तक, आम नागरिकों तक हमें कैसे जाना है, इस पर चिंतन मंथन हुआ। और आज के परिप्रेक्ष्य में जो कोरोना काल में जिन यूनियनों ने अपने जान की परवाह किए बिना अपनी सेवाएं दी और आम नागरिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया, जैसे उत्तराखंड परिवहन निगम है, वहाँ आज 5 माह का वेतन पेंडिंग है। वहाँ पर कर्मचारियों को अनेक कठिनाइयाँ हैं। कोरोना काल में जो कर्मचारी किराए मकानों में रहते थे उन्हें उन मकान मालिकों ने कहा कि आप कोरोना लेके आएंगे, आप यहाँ मत आइए, उनका विरोध किया, बहिष्कार किया। ऐसे कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने परिवार को संकट में डालकर आम नागरिकों की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की, देश की सेवा की, उनका वेतन नहीं मिला। उस पर उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ द्वारा नोटिस दिया है, उस पर चर्चा हुई। 20 जनवरी से और लोग आंदोलन करने वाले हैं। मैग्नेसाइट में 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, उस पर चर्चा हुई है, उनके भी आंदोलन की रणनीति बनी हुई है। आंगनबाड़ी जिनकी सेवाएँ सरकार लगातार ले रही है उनका भी वेतन 6 महीने से पेंडिंग है। तो आज सरकारों की ये स्थितियाँ हुई हैं और आशा है, आशा फैसिलिटेटर है, उनको NH है, NHM है, हेल्थ नेशनल वर्कर स्कीम के अंतर्गत जो वर्कर कार्य कर रहे हैं उनका भी खुलेआम शोषण किया जा रहा है। उनको बाही कॉन्ट्रैक्ट में रखकर जो समितियाँ पहले 50,000 पर वेतन देती थी वो आज 13,500 पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे जो अन्याय श्रमिकों के साथ हो रहे हैं उसके विरोध को हम कैसे करेंगे, उसका समाधान कैसे करेंगे, उस पर चिंतन मंथन हो रहा है और अपना विधि प्रकोष्ठ भी हम बनाए कार्य करेंगे। भारतीय मजदूर संघ की यह कोरोना काल के बाद पहली फिजिकल ये अपने उत्तराखंड राज्य की और ये कार्य समिति है और अपने कार्य समिति में प्रत्येक जिले से जिला मंत्री और प्रदेश के पदाधिकारी एवं कार्य समिति के सदस्य इसमें आए हैं। और इस अभी तक के कोरोना कालखंड में जो वर्चुअल ऐसी मीटिंग चलती रही, कोरोना में काल में केवल भारतीय मजदूर संघ ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो सेवा के काम किए हैं और श्रमिकों के बीच में जो हमारे ऐसे श्रमिक बाहर से आए उनके सहायता के लिए जो जो काम किए हैं उसका लेखा जोखा कहाँ कैसा है, फिर भारतीय मजदूर संघ ने पूरे देश के अंदर एक हेल्प डेस्क का कार्यक्रम किया था कि श्रमिकों के सहायता के लिए हम उपलब्ध रहें 24 आवर्स। तो उस हेल्प डेस्क के बारे में श्रमिकों की सहायता कैसे हमने किया है, इन सब बिंदुओं पर चर्चा, चिंतन मंथन और अवलोकन हुआ है। और आगे जो केंद्र सरकार की अथवा राज्य सरकार की जो श्रम विरोधी ऐसे तमाम नीतियां बन रही हैं जो श्रमिकों के
हित में नहीं है। उसका पुरजोर कोशिश कोरोना काल में भी भारतीय मजदूर संघ ने फिजिकल जगह जगह जिला केंद्रों पर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है, उसका भी उसकी समीक्षा और आगे की योजना पर हम विचार कर रहे हैं और अपने संगठन विस्तार और दृढ़ीकरण के बारे में भी इस बैठक में चर्चा होती है। ये हमारी रूटीन बैठक है जो बाधित थी कोरोना काल के कारण से, फिजिकल अभी ये प्रारंभ हो गई है, अब सब जिलों में ये बैठक चलेगी।